हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के मुझे क्वेरीज आ रहे थे कि मैम एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होने वाला है डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को हम कब तक फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसकी जो लास्ट डेट इन्होंने एक्सटेंड कर दी है 10th of July 2022 तक, यानी आप 10th जुलाई तक आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, यानी आपके पास एग्जैक्टली 2 डेज रिमेनिंग है। अब मैं आपको नेक्स्ट बता दूं कि यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट नोटिस उन्होंने जारी कर रखा है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के जो डेट है ये एक्सटेंड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आपको सिलेबस क्या फॉलो करना है। तभी स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे क्वेरीज मिल रहे थे कि मैम सिलेबस में रिसर्च मेथडोलॉजी नहीं होता है, तो मैं आपको आपका जो प्रॉस्पेक्टस है यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट पर आपको जाकर प्रॉस्पेक्टस रीड करना है, वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से आपका सिलेबस फॉलो करना है। तो वहां पर उन्होंने सारी चीजें मेंशन कर रखा है। अब नेक्स्ट, आपको जल्द से जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है 10th of July 2022 से पहले पहले। हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो और भी एक्सटेंड हो, क्योंकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जो है ये 2 to 3 times इन्होंने एक्सटेंड कर दी थी, तो अभी ये और एक्सटेंड होकर आपके 10 जुलाई 2022 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए डेट इन्होंने प्रोवाइड कर दी है। तो आपको जल्द से जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लेना है। अब उसके बाद हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं और सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, आपको एग्जाम में जो पेपर आएगा, पेपर में आपको टोटल 50 MCQs पूछा जाता है, ठीक है। अब 50 में से आपके MCQs को कुछ इस तरीके से उन्होंने स्प्लिट किया है कि आपको 25 MCQs पूछा जाएगा एंड 25 MCQs को उन्होंने इस तरीके से स्प्लिट करा है। अब 25 MCQs जो होगा ये आपको रिसर्च मेथडोलॉजी से पूछा जाएगा, और ये जो 25 MCQs है ये आपको आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक पूछा जाएगा, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च करते हो, जैसे कोई इंग्लिश में कर रहा है, कोई हिंदी, कोई हिस्ट्री, कोई ज्योग्राफी, कोई इकोनॉमिक्स, कोई जूलॉजी, कोई बॉटनी, तो उससे रिलेटेड आपको 25 MCQs पूछा जाएगा और रिसर्च मेथडोलॉजी से आपको 25 MCQs पूछा जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चन थे कि मैम रिसर्च मेथडोलॉजी पर तो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं उस पर भी हम आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। तो याद रखना है, अगर आपको सब्जेक्ट से स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं आपको। नेक्स्ट, यहाँ पर जो आपको रिसर्च मेथडोलॉजी है, रिसर्च मेथडोलॉजी में आपको 25 MCQs पूछा जाएगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको 25, और हर एक जो क्वेश्चन होगा, हर एक एमसीक्यू जो होगा ये आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। एक एमसीक्यू आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा, तो इस तरीके से आपका जो टोटल पेपर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 200 मार्क्स के लिए, यानी आपका जो रिसर्च मेथडोलॉजी है ये आपका 100 मार्क्स के लिए हो जाएगा और आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ये आपका 100 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपको। तो इस तरीके से आपको टोटल 200 मार्क्स के लिए पेपर पूछा जाएगा, जिसमें 50 MCQs होंगे, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यहाँ पर आपको याद रखना है नेगेटिव मार्किंग होगी, -1 आपका डिडक्ट करा जाएगा अगर आप किसी क्वेश्चन को रॉन्ग मार्क करते हो। तो याद रखना आपको नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क आपका डिडक्ट कराया जाएगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन को रॉन्ग मार्क करते हो। तो ये है आपका पेपर पैटर्न, तो आपको ये फॉलो करना है, ये पेपर पैटर्न है आपका, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखकर बता दी हूँ। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। टोटल 50 MCQs आपके हो गए पेपर में, 25-25 स्प्लिट करा गया है पेपर में, सो 25 रिसर्च मेथडोलॉजी पर क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 25 आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो, सो 25 हर एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए। तो उस तरीके से आपका जो पेपर हो गया रिसर्च मेथडोलॉजी का ये 100 मार्क्स का, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये भी 100 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका जो टोटल पेपर हो जाएगा ये आपका 200 मार्क के लिए आपका पेपर होगा। तो इस तरीके से आपको पेपर पैटर्न फॉलो करना है। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं, तो मैं आपको बता दूं नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इस एग्जामिनेशन का आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यहाँ पर मिनिमम आपको 50% मार्क्स स्कोर करना ही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको 50% मार्क्स आपको क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करना है।
यानी अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी की भी अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशंस करते हो तो आप इजीली इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि आपको एग्जाम में मिनिमम 25 एमसीक्यूज करेक्ट मार्क कर कर आना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स जो है हमारे, ये थ्योरी वीडियो लेक्चर्स भी है प्लस एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स भी है। थ्योरी से पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करवाते हैं, एमसीक्यूज से हम आपको ट्रिक्स बताते हैं को किस तरीके से सारे ट्रिक्स का यूज करना है, ठीक है। देन उसके बाद नोट्स, नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने हाईलाइट कर रखा है, और याद रखिएगा इंटरव्यू में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमने नोट्स में हमारे कवर कर रखा है। यानी यहाँ पर नोट्स में आपको सारे पॉइंट्स मैंने डिटेल में सारे एक्सप्लेन करा है, बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स है हमारे। अगर आप इंटरनेट से नोट्स फॉलो करते हो तो आप देखोगे वहां पर बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है जिससे कि आपको रीड करने में प्रॉब्लम आती है, आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाते। तो आपको याद रखना है नोट्स में हमने सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर कर बताया, और कुछ पॉइंट्स ऐसे है जो आपको इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करने वाले। देन 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, तो यहाँ पर हम जो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं टोटल 10 मॉक टेस्ट है, हर एक मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चंस हमने कवर कर रखे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके 400 एमसीक्यूज हम मॉक टेस्ट में कवर करते हैं। तो ये एक तरीके का टेस्ट होता है जिससे आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है और आपको कितने प्रिपरेशन की और जरूरत है। एंड देन फाइनली 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ, तो इस पीडीएफ में हमने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो आपके फेमस यूनिवर्सिटीज होते हैं उनके सारे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो जनरली आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे इस पीडीएफ में कवर कर रखे। अब मैं आपको बता दूं कि हम गारंटी देते हैं यहाँ पर कि हमारे इसी कंटेंट से आपको एग्जामिनेशन में आपके 25 में से 20 एमसीक्यूज, 22 एमसीक्यूज हमारे इसी कंटेंट से पूछा जाएगा डायरेक्टली। ये हम आपको 100% गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट। सो कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर आप जो नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखना है नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हम आपको इस कोर्स में टाइम टू टाइम आपको गाइड करते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपको क्या फॉलो करना है, किस तरीके से स्टडी मटेरियल का यूज करना है, आपको आपको कौन से टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक रीड करना है, आपको प्रॉपर सारे एमसीक्यूज हम सॉल्व करवाएंगे। हमारे जो लेक्चर सीरीज है उसमें हम डीयू यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हम जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको प्रेपरेशन करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 100% गारंटी के साथ हम आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको पास करवाने की गारंटी हमारी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हम पर छोड़ देना है, बाकी आपको जो हमारे इंस्ट्रक्शन है आपको हम जिस तरीके से हम आपको गाइड करते हैं बस आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी है। सो दैट्स इट, आई होप कि आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता लग गया हो। अब सिलेबस की बारी है, ठीक है। तो सिलेबस क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट आपके लिए ओपन कर रखी है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए पीएचडी प्रोग्राम के जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो रजिस्ट्रेशन है आपके, ये इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, जो कि लास्ट डेट है July 10, 2022, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए अभी भी 4 days रिमेनिंग है। आज आपकी आप देख लो तो 6th of July है आज, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से 4 days रिमेनिंग है, 4 days में अच्छे तरीके से यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको न्यू टैब ओपन करना है, यहाँ से आपको वेट करना है, एंड देन यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो आप यहाँ से लॉगिन करिए, ईमेल आईडी पासवर्ड डालिए, एंड देन आप लॉगिन करिए, एंड देन आकर आपको फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इस ऐप पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये वाली जो लिंक है ये मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है, आप वहां से आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो।
अब नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सटेंड हुई है आपके रजिस्ट्रेशन की डेट्स, तो यहाँ से जल्द आपके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। देन आपके लिए मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन कर रखा है, जिसमें यहाँ पर आपको पेज नंबर 32 और 32 पर आना है। सो यहाँ पर उन्होंने एग्जामिनेशन की आपकी स्कीम बता रखी है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका ये CBT है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। ड्यूरेशन जो है 2 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है ये MCQs टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल 50 MCQs आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए इन्होंने 4 मार्क प्रोवाइड कर रखा है। नेगेटिव मार्किंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया -1 मार्क डिडक्ट करा जाएगा अगर आप कोई इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क करते हो। एंड देन मीडियम ऑफ पेपर जो है आपका ये इंग्लिश में ही होगा, याद रखेगा, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश में क्वेश्चंस लेते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट आते हैं कि मैम हिंदी में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए हैं। तो याद रखना है आपको, जिस तरीके से आपका जो एग्जामिनेशन स्कीम होता है, जिस तरीके से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, जिस मीडियम में आपको पेपर आता है, तो उसी में आपको याद रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस करना है। तो इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट, इंटरव्यू बता रखा है इन्होंने। सो इंटरव्यू उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट, वो डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं। और आप अगर इंटरव्यू डायरेक्ट नहीं दे रहे हो, यानी आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, तो आपको यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्टली इंटरव्यू देना होता है। अब एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्टेड ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने नेट JRF वगैरह क्वालिफाइड कर रखा होता है, तो वो एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्टेड होते हैं, तो उनको डायरेक्टली इंटरव्यू देना होता है। तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो। देन यहाँ पर हम डायरेक्टली पेज नंबर 44 पर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पेज नंबर 44 पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू इस पॉइंट पर इन्होंने बता रखा है, तो इस पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से रीड करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। एंड देन सिलेबस जो होने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, 50% जो क्वेश्चन है ये आपको रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथडोलॉजी, तो याद रखिएगा रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रिसर्च मेथडोलॉजी ये दोनों भी सेम होता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको इन दोनों में। रिसर्च एप्टीट्यूड या फिर रिसर्च मेथडोलॉजी ये दोनों भी सेम होता है। एंड देन 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप क्वेश्चंस को सॉरी जिस भी सब्जेक्ट में आप PhD कर रहे हो, जैसे कोई इंग्लिश, हिंदी, कोई ज्योग्राफी, कोई हिस्ट्री, कोई इकोनॉमिक्स, तो यहाँ से आपको 50% क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मार्किंग बता दिया, 25-25 मार्किंग है। ओके, 25-25 आपका MCQs पूछा जाएगा, 50 MCQs में से 25 रिसर्च मेथडोलॉजी से आपको पूछा जाएगा, और 25 जो है ये आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 25-25 MCQs आपको पूछा जाएगा, हर एक MCQ 4 मार्क का होगा, तो इस तरीके से आपका टोटल पेपर जो है ये आपका 200 मार्क्स का आपका टोटल पेपर आपको प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर आपको सारे तरीके अच्छे तरीके से पेपर पैटर्न पता लग गया हो। तो यहाँ पर हम फिर से आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न याद रखना है। इस पॉइंट को आपको यहाँ पर मैंने जो हाईलाइट कर रखा है, इस पॉइंट को आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मुझे बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले भी सिलेबस रिलेटेड डिटेल में वीडियो बना रखा था, फिर भी आपका क्वेश्चन है कि मैम रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं आता है, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। और ये जो प्रॉस्पेक्टस है, ये जो PDF है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, सेशन 2022 और 2023 सेशन का है ये PDF। ठीक है, 2022 और 2023 सेशन का, इसी सेशन का ये जो है ये PDF है, प्रॉस्पेक्टस है, तो यहाँ पर ही इन्होंने रिसर्च एप्टीट्यूड लिख रखा है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और याद रखना है आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करनी है। प्रिपरेशंस आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस बता रखा है कि किस तरीके से आपको सिलेबस फॉलो करना है। अगर आपने 50% मार्क्स स्कोर करा एंट्रेंस टेस्ट में, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपकी पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है। डिटेल में भी इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो की लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड करी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आपको अगर डिटेल वीडियो देखना है आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो आपके लिए जानना जरूरी पॉइंट्स थे, वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रखा है। और इस जो PDF की लिंक है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, जिससे कि आप डायरेक्टली इस PDF को एक्सेस कर सको। अब डायरेक्टली यहां से इंफॉर्मेशन आप खुद भी रीड कर सकते हो।
तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन पता लग गई हो। यहाँ पर आकर आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो फी है ये 750 है, और SC ST की जो फी है यहाँ पर 300 रुपीज होने वाली है रजिस्ट्रेशन फी। और रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल है, यानी एक बार ही आपने फी सबमिट कर दी तो आपको फिर से फी ये रिटर्न नहीं करते हैं, ठीक है? तो आपको ये देख लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। आप रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके पास प्रिंट आउट लेकर रख लीजिए सेफ पॉइंट के लिए, ठीक है? तो आगे आपका वो यूज हो सकता है। आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है? तो आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें देख लेनी है। ये वाली लिंक भी मैंने आपके साथ डिटेल में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सको एंड डायरेक्टली आप यहाँ से रजिस्टर कर सको। और जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट डेट है 10th of July 2022, यानी आपके पास 4 days रिमेनिंग है। आपको जल्द से जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन आपका पेपर पैटर्न बता दिया, किस तरीके से आपको सारा पेपर पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है? देन नेक्स्ट पीछे हम आते हैं, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मैंने पैटर्न बता दिया। सिलेबस इम्पोर्टेंट नोटिस यही थी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट से इन्होंने एक्सटेंड कर दिए, तो आपको जल्द से जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमारा कोर्स है, जिसमें हम आपको 100% गारंटी देते हैं। और हम आपको ये भी कहते हैं कि 20 से 22 MCQs जो है हमारे इसी कंटेंट से आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये हम 100% गारंटी के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट करना है। फी काफी कम है, सिर्फ 599 में हम आपको ये सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पास करने की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम आपको पास करवाएंगे, ठीक है? तो आपको जल्द से जल्द कंटेंट को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। सो दैट्स इट। आई होप कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।